सलमान फारसी एक इस्लामिक इन्वायरमेंटल स्कूल है जहां इल्म की रोशनी है, साथ ही CBSE बेस्ड सिलेबस, वेल इक्विप्ड साइंस एंड कंप्यूटर लैब और क्वालिफाइड टीचर्स, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शंस, एम्पल ऑफ प्लेग्राउंड विथ नेचुरल एनवायरमेंट और स्विमिंग पूल फॉर प्री स्कूल, स्पोकन इंग्लिश, नमाज, इस्लामिक सिलेबस फ्रॉम द बिगनिंग। अपने बच्चों को इस्लामिक माहौल और आला तालीम दें। आज ही एडमिशन ले रीजनेबल फीस के साथ। सलमान फारसी स्कूल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर। शुरू में आज आप जाहिद अंसारी जी के घर पे आए थे, उनके परिवार से मुलाकात की। मैं सबसे पहले जाहिद भाई जो हमारे बीच नहीं रहे, मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और उनके बच्चों को सब्र दे। मैंने अभी देखा कि एक बच्चा जो माँ के गोद में है और तकरीबन 5 बच्चे थे उनको, और जो भी 25 तारीख को घटना घटी, मुमरा बाईपास नहीं कहूँगा उसको, मैं कहूँगा खूनी बाईपास। मैं उसको आज 20 साल से कह रहा हूँ, आज फर्स्ट टाइम नहीं कह रहा हूँ। वहाँ पे जो घटना घटी, वहाँ पे ब्रिकेटिंग वाल ना होने के नाते, सुरक्षा दीवार ना होने के कारण ये घटना घटी। अगर वो होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। और उस दिन भी एक हमारे भाई का इंतकाल हुआ था और साइन हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया, जाहिद अंसारी जी को, लेकिन अल्लाह ताला को ज़िंदगी मौत का तो निगहबान वही है, हमारे बीच वो नहीं रहे। उसके लिए हम अल्लाह से दुआएं करते हैं और इन बच्चों के साथ पूरी ताकत, यानी जिस तरीके से भी हो सकेगा, इंशाअल्लाह ताला उनके लिए खड़े रहेंगे और जो हो सकेगा इंशाअल्लाह उनके लिए कंप्लीट कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। मदद की बात इस्लामुद्दीन भाई कहना तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन ठीक है, और लोग भी इससे हिदायत सीखें। बाकी जो हमारी बातों को सुनते हैं, उनके परिवार को 1,00,000 रुपये का चेक अभी हम लोगों ने दिया है, लेकिन ये कहने की बात नहीं है। ठीक है, आपने पूछा तो मैं कह देता हूँ, ये बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, उसके बाद भी कुछ भी रहा तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ, आप उनके भाई हैं, हिम्मत रखिए, अभी नौजवान हैं आप, और बच्चों की पूरी परवरिश करें इंशाल्लाह ताला। कुछ भी काम हुआ मैं आपके बाजू में रहता हूँ, घर पे कभी भी आ जाना इंशाल्लाह ताला, आपको हाजिर मिलेगा। जान भाई आपके वार्ड में रहते हैं, यहाँ के हमारे जिम्मेदार हैं, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट कीजिए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ इस्लामुद्दीन भाई, ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मैंने आज कलेक्टर साहब को और MMRDO को खत दिया है, आपके माध्यम से खत दिखाना चाहता हूँ मैं। ये हमने आज खत दिया है और इसमें हमारी मांग है कि इस परिवार को इंसाफ मिले। इस परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा, उसके वालिद को कोई लौटा तो सकता नहीं। जी, इसके पहले भी बाईपास की जो काफ़ी हालत खराब थी, आपने आंदोलन किया था, तो उस वक्त थोड़ा बहुत सुधार हुआ था, काम हुआ था, लेकिन धीरे धीरे फिर जो है बाईपास की हालत वैसे ही होती जाती है। MMRDO की लापरवाही, और इस लापरवाही के कारण आज हमारे बीच हमारा एक भाई नहीं रहा, दो लोग नहीं रहे, ये इनकी लापरवाही है। अगर इन्होंने इसको काम को मरम्मत किया होता, मैंने बार बार लेटर दिया, हमने कई बार सुरक्षा दीवार की मांग किया, लेकिन इन्होंने आगे बहुत आगे भी जा करके इन्होंने काम किया, सुरक्षा दीवार बनाई, लेकिन मुमरा बाईपास को इन्होंने खूनी बाईपास ही रखा, आज तक काम नहीं किया है। हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं, MMRDO से, हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस परिवार को मुआवजा मिले। मैं कम से कम ये मांग करता हूँ कि इनके 5 बच्चे हैं, उन 5ों बच्चों के लिए उनके अकाउंट में 5,00,000 रुपए की का चेक बना करके उनके अकाउंट में दिया जाए और सुरक्षा दीवार का काम चालू किया जाए। अगर 5 तारीख तक काम चालू नहीं होता है सुरक्षा दीवार का, तो मैं आपके माध्यम से MMRDO को ये अगर लगे तो चेतावनी समझना कि मैं अपने स्टाइल में डॉक्टर जितेंद्र वार्ड के नेतृत्व में जन आक्रोश आंदोलन करूँगा और मुमरा बाईपास को बंद करूँगा। हम सब मुमरा के लोग, हम सब मुमरा के लोग मिल करके
मुमरा कोसा बाईपास के ऊपर हम लोग आंदोलन करेंगे, और उसके लिए अगर कोई गाड़ी लेट होती है, कोई हादसा वाकया होता है, कुछ भी होता है, तो इसका जिम्मेदार MMRDA होगा। आपके माध्यम से अगर चेतावनी लगे तो इसको चेतावनी समझना, जो शमीम खान बोलता है उतना करता ज़रूर है। इन परिवार के साथ हम लोग पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं। शमीम भाई, आपको जी, जैसा कि कल रात में हम लोग जब पुलिस स्टेशन आए थे, तो इन्होंने बात करने पे जैसा उन्होंने वादा किया था, तो वो वादा उन्होंने पूरा किया है। लेकिन मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरा भाई तो अब हम लोगों के बीच में नहीं रहा है। आइंदा इस तरह के कोई घटना घटित होती है तो जो भी हॉस्पिटल के लोग हैं, इस तरह के किसी के साथ ना हो। और दूसरी चीज़ कि हमारे भाई के 5 बच्चे हैं, तो उनकी लाइफ सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि उनके आगे की ज़िंदगी बन जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए हमारे से मिले। बस इसी तरीके से आप लोग हमारा साथ दें तो शायद कुछ आसानी हो जाएगी। आपके साथ हम लोग हमेशा इंशाल्लाह खड़े हैं और खड़े रहेंगे आपके परिवार के साथ। देखिए, यहाँ पर हम लोग आए हैं इस पूरे परिवार के साथ में, हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं। जो हमारे भाई, दो भाई रशीद कंपाउंड देवरीपाड़ा में रहने वाले, आज इस दुनिया से रुखसत करे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और हम इनकी ज़िंदगी आप वापस तो नहीं ला सकते, इनके परिवार वालों के दुख में हम शामिल हैं, लेकिन मैं ये अपील करना चाहता हूँ MMRDA से कि अगर आज वो रिटर्निंग वॉल होती, वहाँ पर सुरक्षा बिंत अगर होती, तो एक्सीडेंट से ट्रक टकरा के नीचे नहीं आता, वहीं रुक जाता। ये पूरी तरीके से MMRDA इसके लिए लाइबल है, दोषी है। आज जो जाने गई, देखिए जो चला गया वो तो लौट के नहीं आ सकता, लेकिन उन सब लोगों के छोटे छोटे बच्चे, परिजन, पूरा परिवार है, तो MMRDA अपनी मूलभूत जवाबदारी स्वीकार करते हुए उनके बच्चों के लिए और उनकी फैमिली के लिए कुछ नियोजन करे, ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट है। और जैसा शमीम भाई हमारे अध्यक्ष ने कहा, 5 तारीख के अंदर तुरंत MMRDA प्रस्ताव बनाकर उस काम को शुरू करे, रिटर्निंग वॉल। और सिर्फ रशीद कंपाउंड के इस देवरीपाड़ा अंडरपास पर नहीं, जहाँ जहाँ पर रिटर्निंग वॉल बनानी है, जहाँ से एक्सीडेंट होकर ट्रक टकरा के नीचे गिरता है, हर उस जगह पर, इस बाईपास पर बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं, रशीद कंपाउंड, देवरीपाड़ा, अलमास कॉलोनी, उसके ऊपर भी, तो ये हर जगह पर रिटर्निंग वॉल बनाई जाए और लोगों की जान से खेलना बंद किया जाए।